None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom. Let us remember how we came together as one nation, as one people, as Americans. अब तक दुनिया में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, मगर सब कुछ नहीं। Of course, terrorism is a psychological weapon. All these debates will matter not. America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We will target Al-Qaeda wherever they take root. Mr. Zaidi, do you have anything to say? एक और गिरफ्तारी और एक ही रोज सामने आने वाले दहशत फैलाने के कुछ नए मंसूबों के कई दावे। Twenty-four-year-old Najibullah Zazi had been grilled for 16 hours over the last 2 days, and today officials say he finally admitted he had ties to Al-Qaeda. दहशतगर्दी के इन मुबैना मंसूबों को नाकाम बनाने वाले इत्मीनान की सांस ले रहे हैं कि इस बार दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बनाने के लिए अमरीकी सिक्योरिटी इदारों के दरमियान बेमिसाल तावुन देखने में आया, जो अमरीकी पॉलिसी में उन तब्दीलियों का नतीजा है जो 11 सितंबर 2001 के बाद लाई गई थी। That communications between the law enforcement side of the federal government and the intelligence side is much better. मगर क्या 8 साल तक अपने माली और फौजी वसाइल का एक बड़ा हिस्सा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की नजर करने के बाद भी दहशतगर्दी के मुहरिकात इतने मजबूत और दहशतगर्दों के हाथ इतने लंबे हैं कि अमेरिका के खदशात खत्म ही नहीं होते? क्यों इन्हें अब भी किसी और 9/11 का खदशा तंग कर रहा है? ये सवाल रखा हमने वाशिंगटन के एक थिंक टैंक न्यू अमेरिका फाउंडेशन के सरबराह स्टीव कोल के सामने। Well, I think Al-Qaeda's ability to carry out an attack such as they did on 9/11. मेरे ख्याल में अल-कायदा की 9/11 जैसे हमले करने की सलाहियत अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई तब भी काफ़ी कम हुई है, लेकिन अल-कायदा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ ऐसे पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी करने और कारिंदे जमा करने की मुहिम जारी रखे हुए है। हम देखते हैं कि गाहे बगाहे इंडोनेशिया या इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका के खिलाफ जो चैलेंज उन्होंने 9/11 को दिया था, उसके लिए उन्हें जनूबी एशिया की ज़रूरत है, जहां इन हमलों की साजिश की गई और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। They need South Asia, where these attacks originated, to succeed and to stabilize, and that story is still far from finished. राजीव चंद्रशेखरन वाशिंगटन पोस्ट से मुंसलिक हैं। इराक और अफगानिस्तान में सहाफती फराइज अंजाम देने के साथ इंपीरियल लाइफ इन द एमरल्ड सिटी के नाम से एक किताब लिख चुके हैं और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दहशतगर्दों के लिए जुग्राफियाई ठिकानों की मोहताजी खत्म कर दी है। There still is a great degree of concern in the United States that there may be another attack. I think मेरे ख्याल में अमेरिका में अब भी ये खदशा मौजूद है कि कोई और हमला हो सकता है। यकीनन लोगों को ये चीज़ कुछ तसल्ली देती है कि 9/11 के बाद से अब तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। As Al-Qaeda and other international terrorist organizations become more decentralized. लेकिन ये तशवीश अपनी जगह मौजूद है कि अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मरकजियत ख़त्म हो गई है और वो इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, जिसका मतलब है कि अब इन्हें अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी जुग्राफियाई अड्डे की जरूरत नहीं रही। Defined base of operations, and so obviously the question of combating terrorism is not one that simply focuses on South Asia but looks globally. तो क्या यह इत्मीनान किया जा सकता है कि पाक अफगान खित्ता, जिसे ओबामा इंतजामिया के खसूसी मंदूब रिचर्ड हॉलब्रुक एफ पाक के मुश्तरका नाम से पुकारने पर मुसर हैं, किसी नए 9/11 की परवरिश नहीं कर रहा?
سٹیو کول کو نہ تو خود کوئی خوش فہمی ہے نہ وہ دوسروں کو اس میں رکھنا چاہتے ہیں. In September of 2006, ستمبر 2006 میں برطانیہ میں ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا جو اٹلانٹک پر ہوائی جہازوں میں ایسے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو اگر کامیاب ہو جاتے تو 800 افراد اپنی جان سے چلے جاتے اور القاعدہ کی صلاحیت کے بارے میں ہمارے اندازے مختلف ہوتے. مگر یہ بھی کوئی غیر اہم واقعہ نہیں تھا, اس لیے میرے خیال میں القاعدہ کی طاقت کافی کم ہوئی ہے, مگر ان کے دوبارہ زور پکڑنے کے ارادے اور حملوں کی صلاحیت اب بھی اپنی جگہ قائم ہے. دہشت گردی کے کسی واقعے کو مبنی بر انصاف قرار دینا تو کسی مذہب اور قومیت کے لیے ممکن نہیں, مگر کوئی تو ہے جو برہمی اور غصے کو اس انتہا تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے اور شناخت کے بحران کو مذاہب کی جنگ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے.